आज भारत पहुंचेगी राफेल की पहली खेप। भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था वो राफेल विमान आज भारत पहुंच रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज भारत के अम्बाला में पहुंचेगी। पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान होंगे जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद रहेंगे। एयरफोर्स ने बना रखा है बैकअप प्लान। देश की रक्षा पंक्ति में वायुसेना के लिए सबसे बड़े मारक हथियार के रूप में फ्रांस से भारत आ रहे दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल बुधवार को अम्बाला एयरबेस पर उतरने वाले हैं। लेकिन अम्बाला में मौसम खराब हो रहा है, ऐसे में भारतीय वायुसेना ने जोधपुर के एयरबेस को इसके लिए दूसरे विकल्प के रूप में चुना है। दुल्हन की तरह सज रही अयोध्या नगरी 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। माना जा रहा है कि भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण के कार्यों में तेजी आएगी। राजस्थान में पायलट वर्सेज गहलोत से शुरू हुई सियासी उठापटक अब राज्य सरकार वर्सेज राज्यपाल हो गई है। गहलोत सरकार 31 जुलाई से ही विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी है, लेकिन राज्यपाल की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं, वे कैबिनेट के प्रस्ताव को खारिज नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी बसपा बहुजन समाज पार्टी। बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर करेगी। इसके साथ ही भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। कोरोना काल में सबसे बड़ा वर्चुअल सेलिब्रेशन 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कोरोना काल में अभी तक का सबसे बड़ा वर्चुअल सेलिब्रेशन 11-12 अगस्त को होने जा रहा है। इस्कॉन के साथ 5 देशों के 15 कृष्ण मंदिर 2 दिन के लिए कनेक्ट होंगे। 2 दिन तक अलग अलग प्रोग्राम होंगे। इस्कॉन की योजना कार्यक्रम को अपने 1 करोड़ से ज्यादा भक्त तक पहुंचाने की है। 15 अक्टूबर तक इटली में लॉकडाउन। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,68,93,293 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,45,06,371 ठीक भी हो चुके हैं, वहीं 6,63,465 की मौत हो चुकी है। इटली ने लॉकडाउन का समय 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जूसेप कोंटे ने बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद में पाबंदियां बढ़ाने का सुझाव रखा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 15 लाख के पार हो गया। अब तक 15,32,135 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,632 मरीज बढ़े, 35,484 लोग ठीक भी हुए, 770 की मौत हुई, 9,88,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, 34,200 से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, 5,08,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीज है, यानी इनका इलाज चल रहा है। सुशांत सिंह के पिता ने रिया के खिलाफ दर्ज कराई FIR। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे को सुसाइड करने के लिए रिया ने उकसाया। यही नहीं, वे रिया के साथ ही उसके परिवार वालों को भी सुशांत की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सुशांत के पिता का ऐसा मानना है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने कहा कि रिया नहीं चाहती थी कि सुशांत हम लोगों से बात करे। वो ये भी नहीं चाहती थी कि सुशांत हम लोगों से मिलने पटना आए। अगर पिछले 6 महीने से सुशांत की दिमागी हालत सही नहीं थी तो उसने हम लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई। नौशेरा सेक्टर में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। मंगलवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से LOC पार करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 1 आतंकी सेना की गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा की जा रही घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।